नमस्कार मित्रों, डॉक्टर्स, चिकित्सक, वैद्य, चारागर, मानव और ईश्वर के बीच की कड़ी डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर जो अपने अर्जित ज्ञान से पूर्ण निष्ठा के साथ आत्मा को देह से जोड़े रखने का पूर्ण प्रयास करते हैं। जब देह शिथिल हो और जीवन की आस न हो, ऐसे में एक चमत्कार का नाम होता है डॉक्टर। हर स्थान पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कई बार मानवता से विपरीत कृत्य करते हैं और इन कृत्यों से वो पेशा कलंकित हो जाता है। चिकित्सक और रोगी एक ही पथ पर चलने वाली दो ऐसी पटरियां होते हैं जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऐसे में यदि इन दोनों में आपस में सामंजस्य ना हो तो हार केवल सांसों की ट्रेन की होना है। डॉक्टर्स पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो अपने झूठे लाभ के लिए, अपने लोभ के लिए इलाज झूठे कर देते हैं, रोगी से पैसा ठग लेते हैं और कई बार ऐसे काम जो डॉक्टर धर्म के नहीं होते कर देते हैं। और वहीं दूसरी ओर रोगी के तीमारदारों पर, परिवारों पर ये आरोप है कि रोगी का इलाज ठीक से नहीं हो पाने के कारण या किसी भी कारण से वो अस्पतालों पर हमला कर देते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर्स पर भी जानलेवा हमला कर देते हैं। ऐसे में मैं आज आप सबसे एक ही अनुरोध करने के लिए उपस्थित हूँ, वो ये कि एक विश्वास जो इन दोनों के बीच होना बहुत ज़रूरी है। आइए इससे संदर्भित कुछ पंक्तियां मैं आपके बीच रखती हूँ और समर्पित करती हूँ। कि ना महकी फुलवारी होती खुशबू के घर ना होते, ना महकी फुलवारी होती खुशबू के घर ना होते, राधा की पायल कान्हा की वंशी के स्वर ना होते, जीवन का ये रंग रंगीला उत्सव अंबर थम जाता, मौत घरों में मातम करती, मौत घरों में मातम करती यदि ये डॉक्टर ना होते, मौत घरों में मातम करती यदि ये डॉक्टर ना होते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर्स जो मानव धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण है, वो कुछ लोगों के कारण अपने आप को कलंकित होने से बचाएं। और हमारा भी ये धर्म है कि हम ये समझें कि वो क्या कर रहे हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। शोर कस्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है, फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है, फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है, मानवता के धर्म से ऊपर कोई धर्म नहीं होता, खंजर होना बहुत सरल है, खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है, खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। कुछ निश्चित बातें इस जीवन में होती ही हैं। ऐसे में ये पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाती हूँ, सुने। नहीं देवता प्रकटा जिसमें उस पत्थर को दोष न दो, उड़कर यदि तुम छू ना पाए तो अंबर को दोष न दो, उड़कर यदि तुम छू ना पाए तो अंबर को दोष न दो, मौत सफर के पावों की जंजीर बनेगी निश्चित ही, मौत सफर के पावों की जंजीर बनेगी निश्चित ही, उम्र का पहिया थम जाए तो फिर डॉक्टर को दोष न दो, उम्र का पहिया थम जाए तो फिर डॉक्टर को दोष न दो। और आज के इस दिन डॉक्टर्स डे पर एक बड़ी बात कहने जा रही हूँ, आप सबका मन मांगती हूँ। एक विश्वास हमें जो बना के रखना है, उस विश्वास की बात करती हूँ और कहती हूँ, सुनिएगा। रुतवा दौलत ताकत शोहरत हर ओहदे से बड़े मिले, मानवता के जेवर में वे माणिक जैसे जड़े मिले, प्रश्न हमारे आगे
जब जीवन मृत्यु का अंबर प्रश्न हमारे आगे था, जब जीवन मृत्यु का अंबर हॉस्पिटल में हमें डॉक्टर यम से आगे खड़े मिले, हॉस्पिटल में हमें डॉक्टर यम से आगे खड़े मिले। और मित्रों, चलते चलते एक बात कहना चाहती हूँ, पिछले दिनों जिस संकट को हमने झेला उसमें इन सब ने कोरोना योद्धा बनकर कदम कदम पर हमारे जीवन की रक्षा की है, अपने दिन रात सुख चैन छोड़कर हमारी सेवा में लगे रहे हैं। मैं चार पंक्तियाँ आप सब की ओर से, हम सब की ओर से उन सभी कोरोना योद्धाओं को, पूरे स्टाफ को, नर्स को, डॉक्टर्स को और भी वो सब जिन्होंने मानव धर्म को निभाया है कहना चाहती हूँ। सुनिएगा मेरी पंक्तियाँ उन तक पहुँचे, कि दुनिया की हर मानवता से बढ़कर है ईमान तेरा, दुनिया की हर मानवता से बढ़कर है ईमान तेरा, लेकर के संकल्प सुनो अब रखेंगे हम मान तेरा, लेकर के संकल्प सुनो अब रखेंगे हम मान तेरा, सौ सौ बार नमन तुझको ओ कर्मवीर सच्चे हीरो, सौ सौ बार नमन तुझको ओ कर्मवीर सच्चे हीरो, दिल से यही दुआ निकली है, दिल से यही दुआ निकली है ईश्वर रखे ध्यान तेरा, दिल से यही दुआ निकली है ईश्वर रखे ध्यान तेरा।